अब तो मुझे काम मिलेगा ना? मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू सर। प्लीज कम। हमारी फिल्म का नया चेहरा, बॉलीवुड का नया नाम। अमेजिंग। तो कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। सो यू आर सिलेक्टेड फॉर माई न्यू फिल्म, कैसा फील कर रही हैं आप? आई एम रियली थैंकफुल सर, एंड फीलिंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। इतना बड़ा बैनर है और मेरे जैसी एक न्यू कमर को आपने इतना बड़ा ब्रेक दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम अ मैन ऑफ टेस्ट। आई ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैंने नाडियाडवाला को 4 फिल्मों के लिए फंड दिया हुआ है, और साल भर में 8-10 फिल्में तो मैं यूं निकाल सकता हूं, पर मैं ऐसा कभी करता नहीं हूं। पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ टेस्ट। मैन ऑफ टेस्ट, राइट? यू नो, मुझे ना नए लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं नए एक्टर्स से मिलता हूँ। वो पार्टीज में जा जा कर वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से मिल कर ना ऊब गया हूँ। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं काम करूंगा तो सिर्फ नए टैलेंट्स के साथ। कैटरीना जब नई नई आई थी तो मेरे पास ही आई थी, तो मैंने तो उसको साफ साफ बोल दिया, बेबी यू विल नॉट मेक एनी बूम। नहीं मानी? देखो ये परिणीति, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, जितनी भी हॉट एक्ट्रेसेस है ना, सबको टेस्ट कर चुका हूं। मेरा मतलब है सबसे मिल चुका हूं, बट मजा नहीं आया। बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ टेस्ट। आजकल ना एक्ट्रेसेस को हॉट होना बहुत जरूरी है। हॉट फिगर, हॉट एटीट्यूड, एंड इवन हॉट इन बेड, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम समझ रही हो ना? Hotness sales. ये बाकी लोग तो किसी के साथ भी काम कर लेते, लेकिन मेरे बैनर के नीचे वही काम करता है जिसे मैं सिलेक्ट करता हूं। एंड यू आर
give it to you. And taste of a successful career. सिर्फ तुम्हें छोटी सी बात समझनी होगी. There is no free lunch in the world. यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आती हैं, लेकिन वही old mentality लेकर. और उनका कुछ नहीं होता और होगा भी नहीं. सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इसकी कीमत चुकाना जानते. कुछ समझी? यस सर, आपकी बातों से मैं इतना तो समझ गई दैट यू आर अ मैन ऑफ टेस्ट. राइट राइट. सेक्स को मैं बुरा नहीं मानती. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसका साथ दोगे हमेशा. अब आप मुझे ही देख लो, मैं कितनी मॉडर्न हूं, बट इन चीजों में बहुत पर्टिकुलर. मैं भी किसी के साथ नहीं सो सकती. इन योर वर्ड्स, आई एम अ वुमेन ऑफ टेस्ट टू. गुड गुड. एंड बिसाइड्स दैट, frankly, you are not my taste. By the way, यहां आने से पहले मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन अब मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं तुम्हारी फिल्म नहीं कर रही हूं. एक्चुअली फिल्म तो तुम कर ही नहीं रहे हो. ये सब दिखावा जो है ना, ये नई लड़कियों को फंसाने के लिए है. इसीलिए तो आज तक तुम्हारी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई, बस पोस्टर लगा रखी है. मुझे पता है एक ना एक दिन मुझे ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि फिल्में कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं कन्विक्शन से बनती हैं. और ये जो तुम बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम ले रहे हो ना, उनके साथ सेल्फी क्लिक कराने की भी तुम्हारी औकात नहीं. टेस्ट कर चुका हूं, बड़ा आया. Oh.